हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी साथियों को। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि जो PMT की जो है लिस्ट भी जो HSSC ने जारी कर दी है, और अब दोस्तों जो है एग्ज़ाम्स आपके बहुत ही नज़दीक हैं जी। आज हम बात करेंगे HSSC के बारे में, CET के जो मेंस एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके बारे में। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख लो दोस्तों, इसमें बताया गया है जो PMT का जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट थे उनके, तो जैसे आप सभी को पता है लिस्ट जारी कर दिया HSSC ने, लेकिन आज शेड्यूल जारी हो जाएगा। शेड्यूल में आपका क्या क्या आएगा दोस्तों? शेड्यूल में आपको पता चल जाएगा कि आपका किस दिन जो है PMT है। एक आपको एड्रेस पता चल जाएगा, भाई मेरा वहाँ PMT है, उस जगह है। टाइमिंग पता चल जाएगी, कितने बजे है। तारीख पता चल जाएगी आपको, किस दिन आपका जो है PMT है। शेड्यूल होता है ये। तो अब आप देख लो, आज शेड्यूल आ जाएगा आपका। और HSSC ने दोस्तों लगभग सुनने में आया 4 को जो है उन्होंने कहा, और उसी दिन जारी कर दिया PMT का शेड्यूल। तो PMT HSSC अब कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, PMT सबका ले लेगा। उसके बाद दोस्तों जो है मेरिट में जैसे आपका एग्ज़ाम होगा, 4 गुना उनमें से छाटेगा जिनका PMT क्लियर है। तो उसमें जो है मेरिट में बना के आपका रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद जो है आपकी जो रनिंग वगैरह है वो करवा के जल्द से जल्द आपको ज्वाइनिंग देने का काम करेगा। हालांकि इसमें टाइम लगेगा अभी, इसीलिए जो है PMT आपका ले रहे हैं ताकि आगे किसी प्रकार की परेशानी ना हो और आपको जल्द से जल्द जो है ज्वाइनिंग, क्योंकि इसका लंबा प्रोसेस है। पहले PMT, फिर उसके बाद दोस्तों आपका रिटन टेस्ट, 4 गुना छाटेंगे PMT जिसका क्लियर होगा। उसके बाद रिटन टेस्ट के बाद दोस्तों जो है आपका रनिंग वगैरह जो है वो, उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट। इसलिए इसमें टाइम लेगा, इसलिए इसका PMT जो है जारी कर दिया है। तो ये आप देख लो, और जो फायर ऑपरेटर ड्राइवर थे उनका भी PMT शेड्यूल जो है वो जारी होगा। और क्योंकि कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर को, तो ये खबर जो है HSSC के तरफ से आई थी। और दूसरी देख लेते हैं दोस्तों, जो CET क्वालिफाई का वेट कर रहे हैं जिसके मार्क्स कम है। देखो दोस्तों, एक बात तो यहाँ क्लियर हो गई है, जो टॉपर्स है ना, टॉपर्स और जो मीडियम बच्चे हैं उनको सरकार जो है नौकरी देगी। टॉपर्स को जो मेरिट में है, वाकई में जो स्टडी कर रहे हैं और बनता भी है दोस्तों, मेहनत कर रहे हैं लाइब्रेरी में दिन रात, और उनके नौकरी के हकदार हैं दोस्तों। टॉपर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो टॉपर्स है ना इस बार CET में उनको ही नौकरी मिलने वाली है। उनका तो 4 गुना में हर उसमें लिस्ट में आ जाएगा, ग्रेजुएशन वाले ग्रुप में आ जाएगा, प्लस टू वाले ग्रुप में आ जाएगा। तो टॉपर्स को जो है इस बार फ़ायदा होने वाला है CET में, क्योंकि स्टडी भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, टॉपर्स बनेंगे तो हकदार भी हैं भाई नौकरी के। तो टॉपर्स के लिए बहुत अच्छा है माहौल CET में ज्वाइन करने का, आप एग्ज़ाम क्लियर करके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगला CET में ये देख लो, यहाँ खट्टर साहब कह रहे हैं क्या, जो ये वाली भर्ती है ये तो ऐसे की ऐसी रहेगी, जो नेक्स्ट CET होगा उसमें दोस्तों जो है वो अमेंडमेंट कर देंगे उसमें ड्राफ्ट में, और जो है 15 गुना उसमें बुलाया जाएगा बच्चों को, CET क्वालिफाई बच्चों को 15 गुना। तो ये नेक्स्ट CET के ऊपर बात है, जब भी नेक्स्ट CET होगा। फिलहाल इस CET में तो जो है 4 गुना का ही फॉर्मूला लगेगा, मेरिट वाले स्टूडेंट्स ही जो है वो लगेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक और खबर है, यहाँ कांग्रेस के जो हैं लीडर हैं ये भी दोस्तों जो है CET को लेकर काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो इन्होंने भी कहा है क्या, CET के ऊपर ये भी अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो ये खबर थी आज CET के ऊपर, जो मेंस एग्ज़ाम है एक बात, और जो एग्ज़ाम्स है अब आपके पास समय जो है टाइम बहुत ही कम है दोस्तों। अब आप अपनी रिवीजन ऐसी तैयारी कर दी है, रिवीजन बार बार करो, आपका ही पक्का होगा। और मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो आप, ताकि आपको अपने कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं कहाँ पर हूँ। आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि मैं फ़िलहाल कहाँ पर हूँ। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, एक पॉजिटिविटी आती है, आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हाँ भाई मैं एग्ज़ाम्स क्रैक कर लूँगा, वो मोटिवेशन भी आता है। तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, टाइमिंग से जो है आप अपनी स्टडी करें, रेस्ट भी दें। ये नहीं है सारे दिन जो है लगे रहें लाइब्रेरी में, अपने आप शरीर को रिफ्रेश भी रखें और जो है स्टडी भी करें। तो आपके पास एग्ज़ाम्स बहुत जल्द आपके जो है एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम्स का शेड्यूल भी HSSC जारी करने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों ये अपडेट आपके लिए लेके आया था। जो भी साथी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना,
ये एचएसएससी से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, एचएसएससी से रिलेटेड हर अपडेट, हरियाणा से रिलेटेड हर अपडेट, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हर अपडेट आपको जो है इस चैनल पर मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।